इस कविता में मैं कुछ ऐसे शब्द का प्रयोग करूंगी जिससे आपको लगेगा कि यह गलत है, परंतु इस कविता के लिए वह सही है और उनका मायना भी यहाँ सही है। झिलमिलाते वस्त्रों में तुमने मुझे प्रतीक्षा करते देखा होगा, कभी गहरी गर्दन वाली अंगिया में तो कभी टांगे ठिलाते हुए शॉर्ट स्कर्ट। मैंने तुम्हारे बिस्तर पर करवटें बदली हैं, तेरी आंखों से आंकी गई हूँ मैं, मेरी इज्जत का दाम तूने नोटों से लगाया है, पर मैं यहाँ बदनाम हूँ, तेरे इर्द गिर्द क्यों सम्मान का साया है। मन के पिटारे में कुछ प्रश्न रापत थे, बूझने का जी में आया है, परी थी मैं अपने बाबा की, थी ओ सी कोमल और प्यार से पली, पर आज वे मुझे स्वीकारने से कतराते हैं। आज मैं खड़ी हूँ लेटने के लिए और कल लेटूंगी खड़े होने के लिए, तेरी हवस की इज्जत है यहाँ पर मेरे चरित्र पर क्यों दाग है, राम विष्णु कृष्ण होगा तू तो मेरी पहचान क्यों अनजान है। अपनी रात के किस्से तो दोस्तों को बताएगा ना, मेरी सिसक कवर्णन वह कितनी रुचि से सुनेंगे, उनके लिए ये तय तेरा सौभाग्य है, पर इतनी सी बात तू मुझे बता दे, क्या मेरी भूखी बिटिया की किस्मत में लिखा ही दुर्भाग्य है। मेरे भीतर का इंसान देखने की कोशिश की है कभी, कोई गहरा काल होगा ना मेरा, क्या पता तुझे तो बस ऊपरी नाटक दिखाया, क्योंकि तूने तो बस मुझे सिसकते देखा है, मैंने इंसान के रूप में हैवान को देखा है, मैंने जिस्म की छा में लोगों को पनपते देखा है, मैंने खुद का सौदा अपनों से होते देखा है। थे मेरे भी कुछ सुनहरे सपने, उड़ेल गए पानी मेरे ही अपने, हमें पूछती हूँ कि अत्याचार तो मैंने सहा है, फिर क्यों छमिया मेरी पहचान है, हाँ मैं एक वैश्या हूँ, क्या तू पावन इंसान है, तेरी हाँ तेरी तो कुछ जात पात है, पर मेरी ए छमिया ही पहचान है। एक आगाज, इट्स योर स्टोरी।